हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम ये फ्लावर ज्वेलरी बनाना सीखेंगे। और इसके लिए यहाँ पर नेकलेस जोड़ी ली है मैंने, बकरम शीट ली है, और ये सारी आई पिंस ली है, और हिट पिन ली है, और ये फॉर्म फ्लावर्स लिए हैं, एंड पर्ल कनेक्टिंग चेन ली है। और सबसे पहले हम ये जो बकरम शीट है इसके ऊपर हम स्केल से इसके से ड्रॉ कर देंगे, मतलब हम थोड़ी जो लंबी सी स्ट्रिप इसमें कट करेंगे। और यहाँ पर मैं फ्लावर के साइज़ को भी नाप लूँगी, और यहाँ पर हम इसे मतलब को इसे बराबर साइज़ में दो स्ट्रिप्स चाहिए होंगी, इसलिए यहाँ पर मैं इसको नापूँगी कि फ्लावर का साइज़ कितना है फ्लावर के हिसाब से। एंड देखिए, दोनों को हम इस तरह से मिला देंगे और फिर इसके बाद हम कट कर देंगे। आप चाहें तो अंदाजे से भी ले सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने बता दिया है अच्छे से कि मैंने इसमें कैसे किया है। तो देखिए, मैंने इनको लाइन को ड्रॉ कर दिया है, इसके बाद मैं इनको आपस में कट कर दूँगी। और यहाँ पर मैंने फॉर्म फ्लावर्स का यूज़ किया है। आप चाहें तो इस पर जो पेपर फ्लावर्स आते हैं या फिर जो अदर फ्लावर्स आते हैं आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं। देखिए, स्ट्रिप मैंने कट कर दी है, अब इनको आपस में बीच में भी मैं कट कर दूंगी। इसके बाद मैं इसमें गोल्डन कलर करूंगी, जो फैब्रिक कलर आता है गोल्डन कलर, वो कर दूंगी। दोनों स्ट्रिप्स को मैं कलर कर दूंगी। इसके बाद यहाँ पर हम आई पिंस लेंगे और फिर हम आई पिंस को कट कर देंगे। आई पिंस को कट कर देंगे, इसी तरह से सारी आई पिंस को मैं कट कर दूंगी। एंड देखिए, जो आई पिंस है उनको हमने कट कर दिया है। इसके बाद ये जो फ्लावर है, फ्लावर को हम हिट पिन से कनेक्ट करेंगे और चेन से कनेक्ट करेंगे, मतलब इसकी लेयर बनाएंगे हम छोटी बड़ी छोटी बड़ी। तो सबसे पहले जो पर्ल चेन है, इस पर्ल चेन को हम कट कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने रखा है डिस्टेंस 5 और 6 मोती का, तो पहले 5 मोती कट करेंगे फिर 6 मोती कट करेंगे। इसी तरह से मैं सारे लेयर्स को मैंने रेडी किया है। सबसे पहले हमने 5 मोती को काट दिया है, इसके बाद काटेंगे हम 6 मोती को। इस तरह छोटी बड़ी मैंने चेन को कट कर लिया है। और ये जो हिट पिन है, हिट पिन को हम कट कर देंगे और इसको हम फ्लावर के अंदर डाल देंगे। देखिए, जो फ्लावर है, फ्लावर के अंदर बाहर वाले पार्ट से इसमें अंदर हिट पिन को डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें पर्ल चेन को ऐड कर देंगे। इसका जो मुंह है, थोड़ा सा ऐसे घुमाकर इसके अंदर हम ये पर्ल चेन को डाल देंगे। इस तरह से पर्ल चेन फ्लावर से कनेक्ट हो जाएगी। तो ये 6 मोती वाली हो गई, अब हम 5 मोती वाली करेंगे। इसी तरह से मैंने 8 लेयर्स को, 8 चेन को ऐसे रेडी किया है, 8 फ्लावर्स को। आप चाहें तो इसमें थोड़ी कम चेन भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब 2 या 3 लेयर का भी, मतलब डिस्टेंस की चेन का भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर मैंने 5 और 6 का यूज़ किया है, मतलब 5 और 6 का डिस्टेंस रखा है अपनी चेन में। आप चाहे तो इसको बराबर भी रख सकते हैं, जैसे 5 5 5 5 6 6 6 6 इस तरह से भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने छोटे बड़े फ्लावर लगाए हैं। एंड देखिए, दोनों चेन रेडी हो गई है। इस तरह से मैंने सबको भी रेडी किया है। और जो हमने स्ट्रिप रेडी की थी बकरम शीट की, तो इसके ऊपर हम ग्लू गन लगाएंगे, मतलब हॉट ग्लू लगाएंगे, ग्लू गन का यूज़ करेंगे, और इसके ऊपर हम सारे फ्लावर्स को लगा देंगे। यहाँ पर हम 8 फ्लावर्स को लगा देंगे। आप चाहे तो इसमें पेपर फ्लावर्स को भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसमें जो अदर फ्लावर्स आते हैं, जैसे क्लॉथ फ्लावर्स, दूसरे फ्लावर्स भी आते हैं, तो आप उसका यूज़ भी इसमें कर सकते हैं। एंड अब हम इसको इसे काट लेंगे बीच में से, क्योंकि हमें फ्लावर्स अलग अलग चाहिए होंगे, इसलिए हम इसको ऐसे काट लेंगे। और मैंने स्ट्रिप इसलिए रेडी की थी क्योंकि हम चाहते थे कि सारे फ्लावर्स एक साथ ही ऐसे रेडी हो जाए, वरना सबके लिए हमें
अलग अलग बकरम शीट के सर्कल हमें काटने पड़ते हैं, इसलिए मैंने एक बार में ही स्ट्रिप रेडी कर ली, एक बार में सब कुछ चिपका दिया और उन पर बकरम शीट भी लग गई साथ में, इसलिए मैंने स्ट्रिप रेडी की थी। आप चाहें तो इसमें अलग अलग सर्कल्स को काट कर भी आप इसके पीछे से लगा सकते हैं। देखिए सबको मैंने कट कर दिया है एंड जो एक्स्ट्रा बकरम शीट है इनके आसपास इनको भी मैं कट कर दूंगी। इसी तरह से इन सारे फ्लावर्स को भी हम कट कर देंगे। इन सबको कट करने के बाद ये जो आईपिन हमने रेडी की थी तो इसके बैक वाले पार्ट पर हम आईपिन को लगा देंगे एंड इससे हम बकरम शीट को भी लगा देंगे। और ये जो पार्लर चेन है हमने यहाँ पर बड़ी बड़ी सी पार्लर चेन ली है और इससे हम इन सबको अटैच कर देंगे, मतलब हम सब हमने सबने आईपिन्स को लगाया है इसके पीछे वाले पार्ट पर, तो आईपिन से तो आसानी से चेन कनेक्ट हो जाएगी। और जो हमने छोटी बड़ी फ्लावर्स के साथ चेन को रेडी किया था तो उनको भी हम जंप रिंग से इस चेन से अटैच कर देंगे। इस तरह से ही हमारा जो नेक पीस है वो रेडी हो जाएगा। एंड देखिए इसमें जो आईपिन हमने लग गई थी उस आईपिन को भी मैंने इसमें लगा दिया है एंड बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है ये नेकलेस मैंने, तो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही अच्छा है एंड यूनिक भी है और बनाने में भी बहुत ईजी है। एंड इस तरह से देखिए यहाँ पर मैंने छः मोती वाली चेन को लगा दिया है, इसके बाद बीच में एक फ्लावर को लगा दिया है और इसके बाद मैं 5 मोती वाली को लगा दूंगी। इस तरह से हमारी जो चेन है पार्लर चेन उसमें हम इन सबको कनेक्ट कर देंगे और जो हमारा नेकलेस है वो रेडी हो जाएगा। एंड प्लीज़ ज़रूर बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, आपको नेक पीस कैसा लगा है और इसकी मैंने इयर रिंग टीका नोज पिन नोज रिंग और इयर रिंग्स एंड ब्रेसलेट ये सब भी मैंने सिखाए हैं इसकी पिछली वाली वीडियो में, तो ये पार्ट 1 था हमारा। और इसकी जो बाकी के पार्ट्स हैं उनकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दी है तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने चेन को कट कर दिया है, इसके बाद हम जंप रिंग लेंगे और जंप रिंग से ये जो नेकलेस स्टोरी है इस नेकलेस स्टोरी को हम अटैच कर देंगे। और जो मैंने बहुत पहले सीखी थी फ्लावर ज्वेलरी तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दी है, तो आप उसे क्लिक कर मेरी वाली वीडियोस भी आप देख सकते हैं एंड इसके अदर पार्ट्स भी आएंगे, तो ज़रूर देखिएगा आप मेरी वीडियो। एंड प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी है वीडियो। एंड देखिए जंप रिंग से हम नेकलेस डोरी को भी कनेक्ट कर देंगे और इसी तरह से हमारा जो नेक पीस है वो पूरा रेडी हो जाएगा। एंड अगर आप नए आए हैं मेरे चैनल पर तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है एंड अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए मेरी वीडियो को एंड प्लीज़ बताइए कमेंट करके कि कैसी लगी आपको मेरी वीडियो। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को फॉर माई न्यू वीडियोज़ एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने अपने अकाउंट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय।